Welcome to Adil Academy. Aaj ka topic hai what is alkene. Alkenes are unsaturated hydrocarbons and these are also open chain hydrocarbons in which carbon atoms are connected by a double bond. In alkene, one or more than one double bond is present. Okay, the name of alkene ends with ene, alkene. What? Alkene. यानी कि अल्कीन जब भी होगा उसकी नेमिंग में हम हमेशा आईयूपीएसी नेमिंग में भी हम क्या लिखेंगे? अल्कीन. जनरल फॉर्मूला अल्कीन का है CnH2n. ओके, सपोज मैं लिखती हूँ, देखें अल्कीन जो है हमेशा इथीन से स्टार्ट होता है. मीथेन से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा क्या होगा? C2. इथीन क्या होता है? कार्बन. नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं उसमें? 2 होते हैं. तो देखें C2H2, ये वाला 2 और N की जगह नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हम लोगों के पास? 2. C2H4. अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे हम इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं कि ये अल्कीन कैसे हैं, यहाँ देखें आप कितने कार्बन हैं? 2. ये 1 और 2. ये C2 मीन्स 2 कार्बन हैं, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन. अब आप यहाँ देखें हाइड्रोजन कितने? 4. 1 हाइड्रोजन, 2, 3 एंड 4. और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. अगर हम डबल बॉन्ड नहीं लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे. इस कार्बन के देखें 1, 2, 3, यानी इसमें बॉन्ड की एक डेफिशिएंसी, एक कमी है. और यहाँ पे इस कार्बन का देखें आप 1, 2 एंड 3, इस कार्बन में भी एक डेफिशिएंसी है. लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर इसका ये है, हम मज़ीद इसके साथ किसी भी चीज़ का एडिशन नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? डबल बॉन्ड. अब आप देखें 1, 2, 3, 4, इस कार्बन के की वैलेंसी कंप्लीट हो गई. 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है. ठीक है, सिंपल वर्स क्या है कि अल्कीन हमेशा जो है एंड होगा ईन से, और उसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होगा. एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे प्रोपीन हम बनाते हैं कैसे होगा? C3H2 कॉन्स्टेंट होगा और कार्बन कितने? ये क्या होता है? N नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो क्या पे क्या है? 3. C3H6. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कार्बन कितने मौजूद हैं? 3. ठीक है, तो देखें हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाया है. देखें वो कार्बन की वैलेंसी को गिनते हैं, काउंट करते हैं. यहाँ पे कार्बन की 1, 2, 3, 4 वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है. यहाँ इस कार्बन की देखें 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है. यहाँ देखें 1, 2, 3, 4 कंप्लीट है. ठीक है, तो ये क्या है? अल्कीन, प्रोपीन, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपीन. एंड में देखें आप ये ईन लगाया है हमने, क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. और ये क्या है? ईथीन. यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है? ईन लगाया है, क्योंकि इसमें भी क्या है? डबल बॉन्ड मौजूद है. देखते हैं कि अल्कीन को हम कैसे बना सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? अल्कोहल है. जब भी हम अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा. वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन हो जाएगी. किसकी? अल्कोहल की. ये अल्कोहल था, उससे डिहाइड्रेशन हुई, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ. और उस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बना हमारे पास? अल्कीन बना. मैं आगे आपको इसके मैकेनिज्म भी बताऊँगी, लेकिन क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, तो आप ये अच्छे से देखें ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह मैकेनिज्म भी इसका बताऊँगी. ओके, सेकंड क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन. अब आप यहाँ देखें, आप ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये इथाइन है हम लोगों के पास. इथाइन क्योंकि 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है. तो इथाइन की जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एज अ रिजल्ट हमें क्या ऑप्टेन होगा? अल्कीन ऑप्टेन होगा. थर्ड मेथड है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड.
अल्काइल हैलाइड की हम जब भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो इस रिज़ल्ट हमें क्या ऑप्टेन होगा, अल्कीन ऑप्टेन होगा या इथीन हमें क्या होगा ऑप्टेन होगा। कैसे कराएंगे, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसका रिएक्शन होगा, एज अ रिज़ल्ट हमें क्या ऑप्टेन होगा, एक तो अल्कीन ऑप्टेन होगा, उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल भी हमें ऑप्टेन होगा, यानी प्रोडक्ट में हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि डिहाइड्रो मींस के वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है और हैलोजिनेशन मींस के हैलोजन भी रिमूव हुए हैं। ओके, आप सिंपल जो है इस वर्डिंग से इसे जो है याद रख सकते हैं कि डिहाइड्रो मींस वाटर का रिमूव होना, हैलोजिनेशन मींस हैलाइड का रिमूव होना, अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड में से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जब भी हम करते हैं तो एज अ रिजल्ट एल्कीन ऑब्टेन होता है। फोर्थ मेथड है डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ये हम लोगों के पास क्या है, विसिनल डाइहैलाइड है या इसका नेम है विसिनल डाई क्लोरो, क्योंकि दो क्लोराइड मौजूद है इथीन, या यूपीएससी नेमिंग जब भी हम करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि ये विसिनल डाइहैलाइड डाइक्लोरोइथेन और ये सब जो है किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल अब आप ये देख लें कि डिहैलोजिनेशन होगी किसकी, विसिनल डाइहैलाइड की, यानी ये क्या है हम लोगों के पास विसिनल डाइहैलाइड है, दो क्लोराइड मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे डाइहैलाइड, उसकी जो है जब डीहैलोजिनेशन होगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हैलोजन रिमूव हुए हैं, डी का मतलब होता है कि जब भी कोई भी चीज़ हमें और जिंक क्लोराइड मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।